केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। तारीख, तारीख और सिर्फ तारीख, थाने से लेकर एसएसपी ऑफिस तक रोज एक उम्मीद लेकर आओ, रोज खाली हाथ वापस चले जाओ। अपने पति व सौतेले बच्चों से परेशान एक महिला जब इस समस्या से परेशान हो गई तो वह मेरठ एसएसपी ऑफिस पहुंची, शिकायत की, लेकिन बस उसका प्रार्थना पत्र लेकर रख लिया गया। निराश होकर जैसे ही एसएसपी की कार आगे बढ़ी, वह कार के आगे मरने की नीयत से लेट गई। इससे वहां हड़कंप मच गया। रोती भिलकती एक तरफ की गई महिला ने महिला पुलिसकर्मियों से ही पूछा कि वह आखिर क्या करे। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, जेब में पैसा नहीं है, घर के किराए तक को पैसे नहीं है, न्याय मांगने के लिए मुकदमा कैसे लड़ूंगी। मेरठ एसएसपी रोहित सजवान की कार के आगे लेटने वाली महिला का नाम सोनम है। वह भैसुमा निवासी देवेश की तीसरी पत्नी है। देवेश 510 आर्मी वर्कशॉप में कार्यरत है। सोनम ने आप बीती कुछ इस तरह से बताई, देखिए। मेरी सुनवाई नहीं होती, मैं दोबारा आई हूँ, थाने वाले मेरी सुनवाई नहीं करते बिल्कुल भी। क्या हुआ है आपको? मुझे मैं कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, मुझे कोरे कागज पर साइन करवा के कह मैं दरोगा कल भी आए, और अब देश दरोगा जी ने मेरा फैसला करवाया बैसुम में थाने में। अन्नू कह रहे तेरा आदमी नहीं दे रहा था पैसे, हम क्या उसके जेब में से निकाल के देते 20,000 रुपये, उन्होंने बनवाए थाने। मेरे घर के भी है, उनके घर के भी है, के जो बड़े बच्चे हैं ना मेरे हस्बैंड के पहले बच्चे हैं, घर वाली मर गई, और जो वो मार पिटाई भी कर रहे हैं, बच्चे मेरे बच्चों को मारे, मुझे मारे, 6-7 साल से वे निपट रहे हैं मुझसे भी है। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं कहते, पति का देवेश नाम है, यही 510 में मेरठ एमसी ऑफिस में, यही 510 में, इतना ही पता बस मुझे, इतना नहीं पता। 7वीं साल लग रही है मेरी शादी को, तीसरी शादी है मेरी, पहली घर वाली खत्म होगी, दूसरी केस बेस करके चली गई, तीसरी घर वाली हूँ मैं। क्या कहते हैं आप? कभी कह मैं हम तुझे मार देंगे, हम तुझे नू कर देंगे, हमारे बालक दे दे, ऐसे कह मैं। झगड़ा यूँ था, सारे घर मकान जो है पहले अपने बच्चों के नाम कर दिया उन्होंने, मैं किराए पे रह रही हूँ, मुझे इंसाफ मिला, मैं तो किराए पे रह रही हूँ, क्या करूँ मैं, छोटे छोटे बच्चे, मुझे कुछ नहीं, खाने को नहीं, कुछ नहीं, कई दिन हो गए। किराए वाले भी यूँ कह रहे हैं कि तेरा सामान फेंक देंगे बाहर निकाल के, दूध वाले ने दूध बंद कर दिया बिगैर पैसे के, बस 20,000 रुपये दिए उन्होंने दो बार मुझे, उसके बाद पैसे भी ना दिए। एसएसपी ऑफिस आई, अंदर भीड़ लग रही, इन्होंने कोई सुना नहीं, बस एप्लीकेशन देकर नु कह रहे तारीख लगेंगी, और मैं कहाँ से लाऊँ पैसे, तारीख को मैं तब भी जैसे तैसे आई हूँ, मेरे पे पैसे भी ना है, कर्जी को भी ना, अपने बच्चों को दूध तक भी ना, क्या करूँ मैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।